अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम टेरिस गार्डन है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। सो व्यूअर्स, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा अपने गुलाब के पौधे से। ये है हमारा गुलाब का पौधा। इंग्लिश में इसे रोज़ प्लांट कहते हैं, जबकि पंजाबी और उर्दू में इस पौधे का नाम गुलाब का पौधा है। ये एक झाड़ीदार पौधा होता है और इसे ज़मीन पर ग्रो किया जाता है। इसके अलावा आप इसे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती है इस पौधे को और कोई भी इसे कामयाबी के साथ आसानी से पॉट में ग्रो कर सकता है। इस पौधे को अच्छी निकास वाली मिट्टी पसंद है। समर सीज़न में रेगुलर वाटरिंग करें और विंटर सीज़न में आप देखें कि पॉट की मिट्टी खुश्क हो, फिर ही इसे पानी दें। इसके साथ साथ वीक में एक से दो दफ़ा मिट्टी की गोड़ी ज़रूर करें। ये गर्म आबोहवा वाला पौधा है और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसे रोज़ाना 6 से 8 घंटे की सनलाइट ज़रूर चाहिए। गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल हासिल करने के लिए बाहर के मौसम के शुरू में इसकी कटिंग यानी प्रूनिंग करें। आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट पर बहुत ज़्यादा कलियाँ भी खिल रही हैं। जब आप पौधे को पानी दें तो इसके फूलों को पानी से बचाएँ, नहीं तो वो अपने वक़्त से पहले ही खुश्क हो जाएंगे। गुलाब दुनिया में सदियों से जेवर पौधों के लिए सबसे ज़्यादा काश किए जाते हैं। ये झाड़ी महीनों तक खिलती है और ऐसे फूल तैयार करती रहती है जिनमें अक्सर फूल बहुत बड़े और ख़ूबसूरत होते हैं। इनमें बहुत कलर्स भी होते हैं, जैसे वाइट, रेड, येलो और ब्लैक। इसके अलावा इनमें बहुत सी किस्में खुशबूदार हैं और कुछ खुशबू के बगैर भी होती हैं। इन्हीं खसूसियात की वजह से इन्हें अक्सर टेरेस और बालकनी में खूबसूरती के लिए उगाया जाता है। ये कांटेदार पौधे होते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक इनकी 100 इकसाम हैं जो एशिया, यूरोप, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और अफ्रीका में पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इकसाम एशिया में ही पाई जाती हैं। इनकी इन्हीं इकसाम से 30,000 से ज़्यादा काश्तें तख्लीक हो चुकी हैं। गुलाब के फूल को सुबह सवेरे उतार लें और इसके निचले हिस्से को किसी भी चीज़ में पानी डालकर डुबो दें। पानी हर 2 दिन बाद चेंज करें। इस तरह गुलदस्ते में गुलाब 12 दिन तक रहता है। अगर आपके पौधे पर ज़्यादा फ्लावर नहीं आ रहे तो इसके लिए इसकी हार्ड प्रूनिंग करें। हार्ड प्रूनिंग करने से ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी और ज़्यादा ब्रांचेस पर फ्लावर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रूनिंग करने का ज़्यादा सही टाइम अक्टूबर से फरवरी तक का होता है। मैं अपने गुलाब के पौधे को इसी टाइम पर ज़्यादा हार्ड प्रून करता हूँ और इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र भी यूज़ करें। गुलाब के पौधे की कलमें 15 जनवरी के बाद से लगाएं और आप देखेंगे कि मार्च के महीने तक आपकी कलमें ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी। कलम का साइज़ कम से कम 5 से 6 इंच लाजमी होना चाहिए और कलम को हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर ही कट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुलाब के पौधे की कलमें लगाना भी सिखाऊँगा। सुर्ख गुलाब मोहब्बत और ख्वाहिश की अलामत हैं, लेकिन गुलाब डिफरेंट कलर्स में आते हैं और हर एक के अलग मायने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइट रोज़ के मीनिंग्स पाकीज़गी और मासूमियत के हैं। वैसे तो गुलाब बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन अपने गार्डन के फूलों की बात ही अलग होती है। सो गाइस, इस तरह की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी मोटिवेशन के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।